सोमवार को निगम मुख्यालय के सभागार में महिला स्व सहायता समूह की बहनों को बर्तन बैंक स्थापित करने के लिए 1-1 लाख रुपए के बर्तनों के सेट प्रदान किए गए, जिससे ये अपनी आय भी बढ़ा सकती है और प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकती है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे देश भर में महिला स्व सहायता समूह को बर्तन बैंक खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे आसपास में होने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में रियायती दरों पर बर्तन उपलब्ध कराकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सकेगा। साथ ही महिला स्व सहायता समूह की बहनें इस माध्यम से अपनी आय को बढ़ाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकेंगी। प्लास्टिक किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में काबिज रहता है और इसके जला दिए जाने से वातावरण भी लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिला स्व सहायता समूह को बर्तन बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत समूह की महिलाएं अपने क्षेत्र में होने वाले छोटे बड़े मांगलिक कार्यक्रमों में लोगों को जागरूक कर इन बर्तनों को काफी रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगी, जिससे ऐसे कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले मुख्य तौर पर पानी के पाउच और डिस्पोजल ग्लास इत्यादि के उपयोग से राहत मिल पाएगी। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने बताया कि बर्तन बैंक के लिए लगभग 12 समूहों को बर्तन के किट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके बाद महिला समूह की बहनें अपने अपने कार्य में जुट जाएंगी। साथ ही 5 महिला समूह को अन्य कार्यों के लिए बैंक लिंकेज के चेक भी उपलब्ध कराए गए, जिससे यह महिलाएं अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तार कर अपनी आय बढ़ा सकेंगी। इसी के साथ योजना की नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने भी बर्तन बैंक योजना पर प्रकाश डालते हुए आयोजित कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ये सोच रही है शुरू से कि प्रदेश हरा भरा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, तो इसमें एक सबसे जरूरी चीज है प्लास्टिक, जो पूरे मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उसका दुश्मन है, हानिकारक है। उसको रोकने के लिए, उसका उपयोग खत्म करने के लिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम सबके लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत हानिकारक है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास पहले भी किए गए। एक प्रयास, ये अनूठा प्रयास एक बार फिर से किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा कि जहाँ पे मोहल्लों में, वार्डों में, जहाँ पर प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, जिसके ग्लास, प्लेटें, पानी पाउच वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको प्रतिबंधित करने के बाद भी उसका उपयोग 100% हम लोग अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए थे। उसको रोकने के लिए एक शुरुआत की गई है। पूर्व में भी इस तरह के 5 बर्तन बैंक नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं। आज लगभग हम लोग 5 पहले के हैं और 12 समूहों को आज बर्तन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बर्तनों की सूची है जिसमें ये एक जो छोटी, एक हम बोलें कि एक बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी जो मोहल्लों में जो छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं उसमें हम प्लास्टिक के यूज़ से बच पाएंगे इन बर्तनों को यूज़ करके। साथ ही साथ जो स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनको एक इसके माध्यम से एक रोज़गार भी मिलेगा और एक अच्छी शुरुआत है, मैं ये बोल सकता हूँ, एक अच्छी पहल है जिससे निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना बर्तन बैंक, दीदी बर्तन बैंक के नाम से संचालित की गई है। 1 जुलाई से, जैसे कि आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक टोटल बैन हो गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करवाना, जिसमें हम देख रहे हैं कि घर के आसपास छोटी छोटी बर्थडे पार्टियाँ होती हैं या कभी किसी के शादी के समारोह है या सालगिरह है, इसमें लोगों के द्वारा डिस्पोजल खरीदे जाते हैं, तो डिस्पोजल का यूज़ करके अनावश्यक सड़कों पर या कहीं पर फेंक दिया जाता है। वो प्लास्टिक या डिस्पोजल का रिसाइकल पर्याप्त में नहीं हो पा रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाकर बर्तन बैंक के कॉन्सेप्ट को लाया है, जिसमें बर्तन बैंक कॉन्सेप्ट के तहत प्रत्येक महिला समूह को 1 लाख रुपए की कीमत का बर्तन दिया जा रहा है, जिसमें वो नॉमिनल रेट पे, मार्केट से कम रेट पे आसपास के ग्राम मोहल्लों में लोगों को बर्तन उपलब्ध कराएगी, ताकि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का वो चेक, बैंक लिंकेज का चेक होता है, जिसमें किसी SHG को सबसे पहले हम आवर्ती निधि का लोन प्रदान करते हैं, जिसकी लागत 10,000 से 50,000 तक होती है। अगर वो महिला समूह 50,000 या 10,000 की लागत का लोन को सफलतापूर्वक चुका देती है और उसकी बैंक में किसी प्रकार की कोई देनदारी शेष नहीं होती है, तो उसके उसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसे बैंक लिंकेज के तहत यह लोन प्रदान किया जाता है, जिस उसके द्वारा जिस प्रकार की जितनी राशि भरी जाती है उसका अधिकतम 50-70% उसको बैंक लिंकेज के रूप में प्रदान किया जाता है। बर्तन बैंक जी, इसमें अभी दुविधा है, हम लोग
पे लगे हुए हैं कि पूरे भिलाई निगम में बर्तन बैंक के लिए समस्त प्रकार के बर्तनों का एक रेट निर्धारण करके उसको MIC से प्रस्ताव पास करा के बर्तन समूह को दे दिया जाएगा, ताकि रेट में किसी प्रकार का अंतर ना हो। सभी प्रकार के वार्डों में बर्तन बैंक जहाँ पर संचालित होते हैं रेट में एकरूपता बनी रहे। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होते ही प्लास्टिक का उपयोग शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पानी के पाउच और डिस्पोजल ग्लास प्रमुख रूप से शामिल होते हैं, जिन्हें यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है और ये हवा में उड़कर अन्यत्र जगह भी कचरा फैलाते हैं। बर्तन बैंक की स्थापना होने से काफी हद तक इन दिक्कतों से राहत मिल पाएगी, परंतु इसके लिए जरूरी होगा कि आम नागरिकों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।